नीश कुमार अधिवक्ता जी, जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर जी, महासचिव पद उम्मीदवार जी, जी। लंबा इतिहास रहा है मुजफ्फरपुर बार का, एक से एक प्रोमिनेंट लॉयर मेरे बार के सदस्य रहे हैं। मैं गौरवान्वित होता हूं अपने पूर्वजों पर। अपने पूर्व के चुनाव का समय है जी। मैं तमाम अधिवक्ता साथियों के पास जा रहा हूँ, अपनी बातों से उनको मैं अवगत करा रहा हूँ। मैं अपनी भावनाओं और मेरी क्या कार्य कमलेश जी आज नामांकन किए हैं, इनके विषय में सर बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। कमलेश जी बहुत ही कर्मठ, जुझारू और बहुत ही ईमानदार हर फील्ड में रहे हैं। उनकी ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। इसके पहले भी बार एसोसिएशन के बहुत सारे सीट पे वो विजयी रहे हैं, और मेरी उम्मीद है, आशा है, और मैं दुआ करता हूँ कि ये बार एसोसिएशन का जो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे है उस पर वो कामयाब हों और अधिवक्ता हित के लिए वो अच्छा से अच्छा काम करें, और मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल करें। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आज दिनांक 25 फरवरी 2022 को जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर से कमलेश कुमार विद्वान अधिवक्ता ने महासचिव पद हेतु नामांकन दर्ज किया। वरीय एवं कनीय विद्वान अधिवक्ताओं का जन सैलाब नामांकन के समय उनके साथ दिखा। वहीं नामांकन के पश्चात अधिवक्ताओं द्वारा फूल माला पहना कर अग्रिम विजय की बधाई देते हुए कमलेश कुमार के कार्य शैली एवं उनके विशेषता पर भी अधिवक्ताओं ने चर्चा किया। देखिए ये रिपोर्ट। सिटी न्यूज़ टुडे लाइव की टीम जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर आई है। कमलेश कुमार अधिवक्ता जी हैं, आज इन्होंने नामांकन किया है। तो सर से पहले सर से परिचय लेते हैं और जानते हैं कि किस पद के लिए नामांकन किया है। तो सर आपका परिचय देंगे सर प्लीज। कमलेश कुमार अधिवक्ता जी, जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर जी, महासचिव पद उम्मीदवार जी। जी सर, चुनाव का समय है जी। मैं तमाम अधिवक्ता साथियों के पास जा रहा हूं, अपनी बातों से उनको मैं अवगत करा रहा हूं। मैं अपनी भावनाओं और मेरी क्या कार्य योजनाएं हैं, जिसको मैं अगर महासचिव बनता हूं तो वो कार्यान्वित कराऊंगा। इन तमाम चीज़ों से मैं अवगत करा रहा हूं। सभी अधिवक्ता साथियों को निवेदन कर रहा हूं कि मुझे वो चुनाव में सपोर्ट करें। शायद मुझे अवसर मिलता है तो मैं एक बार और बेंच के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठा करके और अधिक से अधिक राहत अपने अधिवक्ता साथियों को दिलाने का प्रयास करूंगा जी। हमारे चैनल के माध्यम से वरीय एवं कनीय अधिवक्ता गण को आपको संदेश देना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने अधिवक्ता साथियों से अपने मेरे पक्ष में मतदान करने का निवेदन करता हूँ। यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं प्रत्येक अधिवक्ता साथियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ग्रुप इंश्योरेंस का कार्य कराऊंगा। साथ ही साथ मेडिक्लेम की भी सुविधा प्रत्येक अधिवक्ता साथियों को दिलाऊंगा। मुझे पीड़ा तब होती है कि किसी कारण से यदि मेरे कोई अधिवक्ता या अधिवक्ता के परिवार के सदस्यगण गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं, उस हालत में इलाज कराने में जो कठिनाई होती है, इसको देख करके मुझे भी बहुत पीड़ा होती है। और मेरे मन में ये बात है कि यदि अवसर मिला तो मैं मेडिक्लेम की सुविधा प्रत्येक अधिवक्ता साथियों को दिलाऊंगा। जिला बार एसोसिएशन एक बहुत पुराना बार एसोसिएशन है और यहाँ का लंबा इतिहास रहा है मुजफ्फरपुर बार का। एक से एक प्रोमिनेंट लॉयर मेरे बार के सदस्य रहे हैं। मैं गौरवान्वित होता हूँ अपने पूर्वजों पर, अपने पूर्व के साथियों पर। इन दिनों बार में कुछ कमजोरी आई है और एकेडमिक वातावरण की कमी दिखती है। मेरे मन में ख्वाहिश है यदि मुझे महासचिव पद की उपलब्धि मिलती है तो मैं एकेडमिक वातावरण बनाने का कार्य करूंगा बार में। अधिवक्ताओं के बीच समय समय पर लीगल डिबेट और सेमिनार वगैरह का आयोजन करूंगा, ताकि मैं अधिवक्ताओं को और ख़ास करके युवा अधिवक्ताओं को मैं अब बार और इस प्रोफेशन की अहमियत को बता सकूं, समझा सकूं। ये मेरी कोशिश होगी इस महासचिव पद पर रहते हुए। दूसरी तरफ सर, वैसे भी युवा अधिवक्ता जो न्यायिक पदाधिकारी बनना चाहते हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, एपीओ बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सर मैं फ्री निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराऊँगा बार के स्तर पर। मेरे लिए मन में ये सारी योजनाएँ युवा अधिवक्ताओं के लिए और सभी अधिवक्ताओं के लिए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए।